स्नेक प्लांट, सेंसेवेरिया, मदर इन लॉ स्टंग, इस प्लांट को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में इस हाउस प्लांट ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है और ये एक बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट बन गया है। ये एक टॉक्सिक प्लांट है और साथ ही साथ एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर है। अब क्योंकि ये टॉक्सिक है इसलिए इंसेक्ट अटैक भी इस प्लांट के ऊपर नहीं होता है। आज इस वीडियो में हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्नेक प्लांट से रिलेटेड सभी टिप्स शेयर करूंगी। किस तरीके से इस प्लांट की केयर करनी है, कितना इसको टेम्परेचर चाहिए, इसमें वॉटरिंग किस तरीके से करनी है और कितनी करनी है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वेराइटीज़ के बारे में। इस प्लांट की काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। मेरे पास इसकी 3 से 4 वेराइटीज़ हैं, लेकिन इस प्लांट की करीब 60 से 70 वेराइटीज़ आपको मिल सकती है नर्सरी में। और ये थोड़ा सा महंगा आता है प्लांट, लेकिन इसका प्रोपेगेशन बहुत आसानी से हो सकता है और इस प्लांट के आप 1 से 1,000 या 1,00,000 पौधे बना सकते हैं। मतलब एक बार आपको एक पौधा ख़रीदने के बाद बार बार काफ़ी सारे प्लांट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पौधे का अच्छे से ख्याल रख पाएँ, ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से हम इसका प्रोपेगेशन करवा के और ज़्यादा प्लांट्स इससे हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडोर प्लांट है, ये एक आउटडोर प्लांट नहीं है। अगर आप इसे सनलाइट दिखाते भी हैं तो वो आप थोड़ी सी देर के लिए दिखाइए, कुछ जैसे वीक में आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको सनलाइट दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक इंडोर प्लांट है, टॉक्सिक प्लांट है, एयर को प्यूरीफाई करता है और जो इंसेक्ट अटैक है इस प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी पत्तियां अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि इसमें देखिए येलो कलर का बॉर्डर है इन पत्तियों में, और इस वाले प्लांट में जो है ये ओनली ग्रीन है, लेकिन सब में जो है ये काले चिट्टे सभी के अंदर हैं। इसका नाम स्नेक प्लांट है क्योंकि इसका जो टॉप पार्ट होता है वो एक फन की तरीके से होता है और इसकी जो ऊपर का ये लीफ वाला पार्ट है थोड़ा थोड़ा स्नेक की जो स्किन होती है उसकी सिमिलर सा लगता है। सो दैट्स व्हाई इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है। दूसरा, ये एक टॉक्सिक यानी कि जहरीला पौधा है और सांप में भी जहर होता है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इस प्लांट को स्नेक प्लांट कहा जाता है। को बहुत ज़्यादा दिनों तक धूप में रखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप इसे धूप दिखाते हैं तो इस पौधे की पत्तियाँ कुछ इस तरीके से ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब ये पत्तियाँ इस तरीके से ख़राब हो जाती हैं तो ये बेजान हो जाती हैं, मर जाती हैं ये पत्तियाँ। इनको काट के और प्लांट से अलग कर देना चाहिए। दूसरा, ऐसी पत्तियाँ होने का रीज़न होता है कि प्लांट को काफ़ी समय तक धूप ना दिखाई जाए। मतलब लंबे समय तक अगर प्लांट है वो आपका ठंड में रहता है या फिर अंदर जैसे मौसम काफ़ी ठंडा है उसमें रहता है, तब भी ये प्लांट की पत्तियाँ इस तरीके से हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर आपके पौधे की भी पत्तियाँ ऐसे हो जाती हैं देन आपको इसे के कट करके अलग कर देना चाहिए। इस पौधे को लगाने का सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है मानसून का समय, और बारिश का पानी इस प्लांट को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे बारिश में भिगोएं, जी नहीं, आप किसी बकेट वगैरह में बारिश का पानी स्टोर करके तब इस प्लांट में आप डाल दीजिए। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं या फिर आप बारिश में इसे पूरा भिगा देते हैं तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी, तो ये प्लांट है फिर मरने की स्टेज पे आ जाएगा। तो इसमें ओवर वॉटरिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो जब भी आप इस पौधे की पत्तियों को इस तरीके से ख़राब होता हुआ देखें देन विद द हेल्प ऑफ सीजर आपको इन्हें कट कर देना है और इसको बिल्कुल पौधे से अलग कर देना है। कई बार क्या होता है कि जब हम ओवर वॉटरिंग कर देते हैं इस प्लांट में, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, लेकिन ओवर वॉटरिंग की वजह से इसकी जड़ें जो है नीचे से ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो इन्हें भी आपको कट कर देना चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें ये वाली रूट आप देख सकते हैं इस प्लांट की। इस पौधे की जो है ओवर वॉटरिंग की वजह से ये पत्तियाँ इस तरीके से हो गई हैं। तो
इसे हम अलग कर देते हैं। और देखिए ये पूरा का पूरा जो प्लांट है ये इस तरीके से जब इसकी जड़ खराब हो जाती है, बिल्कुल गल जाती है, तब ये प्लांट की ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे और नए प्लांट लेना चाहते हैं तो देखिए ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसको हमें अलग कर देना है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है इसका, इसको हम यहाँ से काट के और इसकी पत्तियों को वापस से लगा सकते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, और इस तरीके से हमें और भी नए प्लांट मिल जाएंगे। सो इस तरीके से इस प्लांट का प्रोपेगेशन किया जाता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है ये जैसे इसमें ये सड़ चुका है ज़्यादा पानी डालने की वजह से, तो इसको मैंने अलग कर दिया। लेकिन मुझे अब इसमें और ज़्यादा प्लांट चाहिए तो मैं इसकी पत्तियों को कुछ इस तरीके से कट कर देती हूँ। और देखिए ये मेरे पास इसके दो पार्ट हो गए हैं, ये जैसे दो पार्ट हैं, और इनको मैं वापस से ज़मीन में लगा सकती हूँ। तो इनको ज़मीन में लगाने से मेरे पास कुछ समय बाद करीब 1 से 1.5 महीने में इसमें वापस से जड़ें बन जाएंगी और इससे हमें नए प्लांट्स मिल जाएंगे। तो ये इसके प्रोपेगेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। इस तरीके से आप काफ़ी सारे प्लांट्स एक स्नेक प्लांट से ले सकते हैं। अब देखिए इस पौधे का जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं सूखा है। अभी मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैंने वाटरिंग की तो इसकी जो बची खुची पत्तियाँ हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। इसके अलावा ये जो दूसरा पौधा है, अब इसमें बात आती है कि पानी कब देना है। तो ये वाला जो प्लांट है इसमें अभी काफ़ी पानी है तो इसमें करीब मैं 1 सप्ताह तक और पानी नहीं डालूंगी। लेकिन ये जो दूसरा पौधा आप देख रहे हैं इसकी ज़मीन कुछ हद तक सूख चुकी है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें ऊपर ऊपर का थोड़ा सा पार्ट है, एक लेयर इसका मिट्टी की सूखी है और बाकी की ये नीचे से अभी नमी है इसके अंदर। सो अभी क्या है कि जब तक ये 2 से 3 इंच की गहराई तक बिल्कुल ना सूख जाए तब तक इसमें पानी नहीं देना है। ये एक तरीके का सक्यूलेंट प्लांट है ये पौधा, ये अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पत्ती काट के दिखाई थी। सो आप देख सकते हैं कि इसमें से एक लिक्विड निकलता है। बच्चों को और जो आपकी घर में अगर पेट्स वगैरह हैं, डॉग आप रखते हैं या फिर और भी कोई कैट आप रखते हैं, तो उनसे आपको इस प्लांट को बचा के रखना है क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया टॉक्सिक प्लांट है और इसका ये लिक्विड जो है इससे आपकी जैसे कि किसी भी अनजान बच्चा वगैरह कोई भी है अगर इसको टच कर लेता है, उसको कहीं से लगी हुई है अगर उसमें भी ये लिक्विड चला जाता है तो वहाँ से सूजन हो जाती है। आइज़ वगैरह में अगर वो हाथ लगा लेता है तो खुजली वगैरह की समस्या हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे बच्चों और जो आपके पेट्स वगैरह हैं उनकी पहुंच से इस प्लांट को आपने दूर रखना है। तरीके की जब भी आपके प्लांट की इस तरीके की कंडीशन हो जाती है तो आप इसको यहाँ से पूरा का पूरा निकाल सकते हैं खुरपी की हेल्प से और इसे आप अलग कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब आप इसमें अच्छे से गुड़ाई कर देंगे तो जो बाकी के बचे हुए प्लांट हैं इसी से इसमें से जो रूट्स डेवलप होंगे और छोटे छोटे इसमें बेबी प्लांट्स यानी कि पप्स निकल के आएंगे और उससे पूरा पूरा गमला वापस से भर जाएगा। मैंने इसमें छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी, जैसे आप देख सकते हैं जब मैंने इस पौधे को लगाया था तो ये वाला जो पार्ट है पत्ती का ये मैंने लगाया था और इसी से क्या हुआ था कि ये प्लांट बना था और फिर इसी तरीके से रूट्स डेवलप होके और नए प्लांट मेरे पास बन गए थे। सेम आप इसमें भी देख सकते हैं, मैंने कटिंग लगाई थी, ये आप देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी, ये कटिंग लगाया हुआ प्लांट है और यहाँ पे भी मैंने कटिंग लगाई थी, वो कटिंग अभी हट चुकी है। तो इस तरीके से जो मैंने जो दूसरा प्लांट है वो मैं आपको दिखाती हूँ अपना, इसमें भी मैंने कटिंग लगाई थी यहाँ पे, ये देखिए ये मैंने कटिंग लगाई हुई थी और इसी से ये पूरा का पूरा गमला भर गया है। तो इसका प्रोपेगेशन होता है कटिंग से। दूसरा मैं आपको अगर बताऊं कि इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र, तो इसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसे साल में 1 से 2 बार फर्टिलाइज़र दे देते हैं वो इसके लिए काफ़ी है। तो जब भी आप इसे गमले में लगाते हैं तब आप इसमें काउडंग कंपोस्ट वगैरह का जो मिक्स होता है वो आप गार्डन सोइल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन बाद में जब आप इस प्लांट को जब भी फर्टिलाइज़ करते हैं तो आप कोशिश कीजिए किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, जैसे कि आप काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या फिर
कोई भी आप घर पे कुछ खाद वगैरह बनाते हैं तो उसका जो पानी होता है उसका रस निकाल के उसको पानी में भिगो के निचोड़ के और तब उसे आप इस प्लांट में दीजिए उस बचे हुए पानी को। या फिर अनियन पील फर्टिलाइजर होता है, इस तरीके के फर्टिलाइजर भी इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मेनली जो पत्तियों की ग्रोथ वाले फर्टिलाइजर हैं वो इसके लिए बेस्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर इस पौधे को नहीं चाहिए। बार बार इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये प्लांट इसका गमला जो होता है, इसका पॉट है इस प्लांट का, वो अच्छे से भर जाए तब आप इसकी रिपोर्टिंग कीजिए और तब आप काफ़ी सारे प्लांट्स लगाइए। इंसेक्ट अटैक इस प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। काफ़ी अच्छा ये एक एयर प्योरीफायर है और इसे लगाना भी काफ़ी आसान है। ज़्यादा पानी इस पौधे को नहीं चाहिए। इंडोर प्लांट है ये, और गमला आपको इसके लिए बहुत बड़ा नहीं लेना है, छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। रूट सीट्स की गहरी नहीं जाती हैं लेकिन बाउंड होती हैं, एक दूसरे के साथ बंधी हुई होती हैं। जब इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं तो वो उन रूट से ही निकलते हैं और इस तरीके से वो रूट आपस में मिल जाते हैं, तो उन्हें कैंची से कट करके आसानी से अलग किया जा सकता है। आप इसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गमले में लगा सकते हैं, लेकिन 8 से 10 इंच का जो गमला है वो इसके लिए मोर देन सफिशेंट रहता है। चीनी मिट्टी के या फिर प्लास्टिक के या फिर आप जैसे कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है आपके घर में उससे, या फिर मिट्टी के गमले में, आप किसी भी तरह के गमले में इस प्लांट को लगा सकते हैं। सो आई थिंक मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस प्लांट के बारे में दे दी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है देन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और चीज़, इस प्लांट की पत्तियों को आपने बिल्कुल साफ़ रखना है, हमेशा इसको पानी से भिगो के साफ़ नहीं करना है। इसको आप विद द हेल्प ऑफ कोई कॉटन का कपड़ा लेके उसको गीला करके और तब आप इसकी पत्तियों को साफ़ कर सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। सालों साल चलने वाला एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।